गाइस ये जो चाय है आपको नज़र आ रही है, जैसे आपको पता है दूध पत्ती चाय बन गई है ना, और हमने दूध पत्ती चाय कोयले वाली बनाई है। तो आप ये देख सकते हैं इसका माहौल क्या है, सीन फुल ऑन है। बहुत ही इसकी जो है ना खुशबू जो है ना, मुझे तो दिल चाह रहा है कि मैं जो है ना कम से कम एक नहीं दो कप पीऊँ। लेकिन ये है कि चाय हमने बनाई है तकरीबन तीन से चार कप, एक मैंने लिए और एक ज़ैनब के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? तो भाई सीन ऑन है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी सर्दियों को जो है ना सही इंजॉय कर रहे होंगे। तो यार अभी जो है तकरीबन को ही पौना एक बज रहा है रात का, और चाय पीने का मूड हो रहा था, और वो भी कोयले वाली। गैस की चाय तो रोज़ाना ही पीते हैं, मैंने सोचा क्यों ना घर के अंदर जो है कोयले की चाय बनाई जाए। तो कोयले पर हम ये चाय बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कोयले की जो चाय का सीन है ना, ओहो भाई ये जो है ना ज़बरदस्त सीन होगा बता दो। तो अभी ये तकरीबन आखिरी मराहिल में, अभी मैं इसके अंदर जो है ना ये सारा दूध डाल रहा हूँ। तो ये जो है दूध डाल दिए, चाय तकरीबन इसमें एक खोल और आना है और फिर ये चाय हो जाएगी रेडी। तो यार मौसम को इसी तरीके से इंजॉय करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो इन्जॉयमेंट है ये अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना शेयर की जाए। तो चाय जैसी रेडी होती है मैं उसको पी के भी आपको बताऊंगा कि ये चाय कितनी ज़बरदस्त बनी है। और जो कोयले की चाय होती है वो तो स्पेशली लोग पीने जाते हैं बाहर, तो सर्दी ज़रा ज़्यादा हो गई है कराची में, तो हमने सोचा क्यों ना एक पुराना सा माहौल बनाया जाए। देख रहे हैं चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है, और खुशबू और धुएँ बता रहे हैं ये मुबशर भाई की चाय की तरह तो नहीं होगी, लेकिन ये है चाय आरिफ जी की। ये चाय ना क्वेटा की है और ना लाहौर की है, तो गाइस ये चाय है आरिफ जी की। इस चाय है रेडी, और ये कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल चाय लग रही है, ठीक है ना। तो आप इससे ये मत अंदाज़ लगेगा कि मैं चाय बनाते रहता हूँ, ये चाय मैंने आज ही जो है ना सीज़न वाइज बनाई है, और अभी मूड हो रहा था कोयले की चाय पीने का, तो लिहाजा मैंने घर में ये सारा अरेंजमेंट कर लिया। तो मैं इसका जो है पहला सिप लेता हूँ, मज़ा आ गया, वाकई दमदार चाय है, और अपने हाथ की तो क्या ही बात है। हमारे चैनल, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए हमारे चैनल आरिफ जी को आपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यार नए आने वालों के लिए वेलकम, और जो हमारे चैनल पे अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत मेरी नेक दुआएं। और इसी तरह हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, देखते रहें यार, बस आप ही लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, छोटी छोटी और बड़ी वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी होती हैं, टोटली काम आप लोग के लिए हो रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।